गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर हम बात करते हैं। एक्चुअली कल मुझे सारा दिन वीडियो डालने का टाइम नहीं मिला, तो गुड मॉर्निंग की वीडियो मुझे थोड़ी देर से डाल ली मैंने, लेकिन आज मैं जल्दी डाल दूंगी। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी डेली रूटीन क्या है, कि सुबह उठती हूँ तो सुबह से रात तक क्या क्या काम करती हूँ। तो पहले तो ये है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि जो सुबह का टाइम है वही मैं जो है अपने काम में यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो मुझे जैसे रीडिंग बुक्स का शौक है, सब है, तो वो मैं मॉर्निंग में करती हूँ। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियोस में, आपने वीडियो भी देखे, फोटोग्राफ भी देखे हैं मेरी दादी जी की, जो कि 96 प्लस हो चुके हैं। अभी पीछे उनका बर्थडे था, सबने विश किया था उनको बर्थडे, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे। तो मेरी दादी जी हैं, वो उठ जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं उठ के जो है अपना काम सारा करती हूँ, क्योंकि वही टाइम है जो मैं अपने लिए निकाल सकती हूँ। फिर उसके बाद जो है मॉर्निंग टी का टाइम शुरू होता है, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत दादी जी का काम करना होता है, एंड आफ्टर दैट जो है ब्रेकफास्ट सबको करवाना। और ब्रेकफास्ट के साथ साथ फिर कुछ मार्केट का काम भी हो जाता है, कभी दादी जी की मेडिसिन लेके आनी है, या फिर और भी अपने पर्सनल काम हो जाते हैं तो मैं वो करती हूँ। तो जो भी मार्केट से लेके आना है, या और भी कोई अपना काम है या घर में है, जैसे कि मेरा बेटा प्लस वन में है, तो जो भी काम है वो करती हूँ उस टाइम में। और उसके बाद फिर लंच की प्रिपरेशन करनी होती है, और बाकी हाउस होल्ड वर्क होते हैं। और दोपहर को थोड़ा सा टाइम रेस्ट के लिए निकालती हूँ, क्योंकि फिर जल्दी की उठी होती हूँ तो थोड़ा थक जाती हूँ। फिर वही रूटीन शुरू होती है इवनिंग में, इवनिंग टी, और जैसे दादी जी को मेडिसिन देनी है या बाकी सब काम है तो वो मैं करती हूँ। तो इसी तरह से जो है भाग दौड़ में रात के 11 बज जाते हैं सभी काम करने में। साथ में जो है बीच में जो भी टाइम होता है तो वीडियोस भी बनाती हूँ और अपना काम भी करती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के करती हूँ, क्योंकि बाद में थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना। तो अभी तो जैसे कि मैं इधर नॉर्थ में हूँ, तो आपको पता है कि विंटर स्टार्ट होने वाली है। अभी आज मैं सुबह उठी तो थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी, तो यहाँ पर थोड़ी ठंड शुरू हो गई है, विंटर सीजन स्टार्ट होने को है। तो अभी जो है वो सब काम भी हो जाएगा, कि गर्मियों के कपड़े उठाकर रखने हैं और सर्दियों के लेकर आने हैं, उनको सबको धूप लगवानी है, तो ये सब हाउस होल्ड वर्क भी जो है साथ साथ चलते रहते हैं। एक्चुअली मैं अपने बारे में बताती हूँ कि आई एम एमए बीएड, और मैंने पीजीडी से भी की हुई है पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और मैंने काफ़ी जगह जॉब भी की है। लेकिन अभी जैसे दादी जी को ज़रूरत है, और मेरी मम्मी का भी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी, तो इसलिए बाहर जाके थोड़ा जॉब करना मुश्किल था मेरे लिए। तो अब मैंने सोचा कि घर पर रह के क्या काम किया जा सकता है, एंड आई वॉज अ वेरी गुड स्पीकर ऑफ माई कॉलेज। तो दो पैशन थे मेरे लाइफ में, एक फोटोग्राफी था और एक एज अ स्पीकर था, कि मैंने बहुत प्राइजेस विन किए थे डिबेट्स में, डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट में, पोएटिक सिंपोजियम्स में। तो जो है कि मुझे ये चीज़ आई कि मैं यही करती हूँ, यूट्यूब चैनल बनाती हूँ, कि इसमें मेरे दोनों पैशन ही कवर हो जाएंगे और घर बैठकर भी काम हो जाएगा। ये मेरे फोटोग्राफी का भी शौक पूरा हो जाएगा, और जो मेरा स्पीकिंग का है, वो जो स्पीकिंग स्किल्स है वो फिर दोबारा से जो है हो जाएगा, कि एक तरह से स्टार्ट दोबारा से करती हूँ इसी फील्ड में। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, तो जो है कि आप लोगों की मोटिवेशन से ही है कि मैं वीडियोस बना पाऊंगी रोज।
तो मैं आपको बताती जाऊंगी जो भी है। मैंने जैसे कि लिखा है अपना कि लाइफ एक्सपीरियंसेस जो भी डेली लाइफ में मेरे हो रहा है। ये जो है मेरे साथ बैठे हैं टेडी बियर, ये भी मेरी दादी जी ही लेके आए थे हमारे लिए। पहले विंटर्स में मेरी दादी जी जो हर विंटर्स है वो मुंबई जाते थे, तो जितना टाइम विंटर्स का होता था मुंबई में मेरे ब्रदर है विरेश दत्त जो कि लिरिक्स लिखते हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं जिन्होंने, तो वो उनके पास जाते थे विंटर्स में क्योंकि मुंबई में जो है ठंड नहीं होती। तो अभी जब से बेड रिडन हुए हैं तब से वो हमारे पास ही रह रहे हैं। तो जब वो जाते थे तो वापसी पे कुछ ना कुछ लेकर आते थे, तो ये टेडी बियर भी वो ही लेकर आए थे। तो इस तरह से मैं आपको जो भी है डेली रूटीन अपना बताती रहूंगी और अपने जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो भी हैं अब मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आप बस मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। और एक थॉट फॉर द डे है, जो आज का थॉट फॉर द डे है कि आपके मन की हो तो अच्छा और अगर मन की ना हो तो और भी अच्छा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके मन की इच्छा पूरी हो रही है तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपके मन की इच्छा नहीं हो रही, कुछ अपनी मर्जी से हो रहा है, तो वो और भी अच्छा है। वो और भी अच्छा क्यों है? क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और जो ईश्वर की मर्जी से चीज़ होती है वो हमेशा अच्छी ही होती है, बेहतर होती है, और हमारा उसमें जो है बेहतर ही होता है। तो इसलिए ये आज का थॉट फॉर द डे है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स, एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं ऐसे ही कोशिश करूँगी कि वीडियोस बनाते रहूँ। सो थैंक यू फॉर टुडे।